बांधा ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुनः बांधा मंडल कारागार पहुंचा बहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी। 14 दिसंबर को सुबह बांधा मंडल कारागार से इलाहाबाद कोटी पेशी में गया था बाहुबली, जहां ईडी की रिमांड एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन के ईडी रिमांड में भेजा था। 10 दिन की ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद पुनः मुख्तार अंसारी को भेजा गया था 5 दिन की ईडी रिमांड में। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया था पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को। कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांधा जेल लाया गया मुख्तार अंसारी। ईडी 15 दिनों तक मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग 13 लाख कीमत के अवैध सूखे गांजे के साथ 6 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 82.35 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा, अवैध गांजे के परिवहन व बिक्री करने में प्रयुक्त 3 चार पहिया वाहन बरामद। मुख्य अभियुक्त संगम साहू उड़ीसा और उत्तराखंड से सब्जी व खाद्य पदार्थों के वाहन में लाद कर लाता था अवैध गांजा। बांधा, मोहब्बा, चित्रकूट, महमीरपुर और आसपास के जनपदों में करता था अवैध गांजे की बिक्री। मुख्य अभियुक्त संगम साहू को विगत वर्ष भी कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी, एक ट्रक में 195 किलोग्राम अवैध गांजा वाले गिरोह के साथ किया गया था गिरफ्तार। बुलंदखंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मोहखर कट माइलस्टोन 50.8 के पास से अभियुक्तों को अवैध गांजे की खरीद बिक्री करते हुए किया गया गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों को करता था थोक बिक्री, जबकि अन्य अभियुक्त जगह जगह अवैध गांजे की करते थे फुटकर बिक्री। वैद्य प्रकाश शर्मा बांधा।